हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कैनवा गेम में। तो गाइस, आज GTA 6 के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है। अब वीडियो को देखना एक तो एंड तक, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आने वाला है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, GTA 6 का एक मैप लीक हो चुका है और इसको लीक करने वाले का नाम है टॉम एंडरसन। और गाइस, इसकी चैनल यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। अब गाइस, बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि इनका काम क्या है। तो गाइस, इनका काम कुछ ऐसा है कि ये बड़े बड़े गेम्स जैसे कि RDR2, GTA और गाइस और भी बहुत सारे साइबर पंक, आप जितने भी बड़े बड़े गेम्स सोच सकते हैं, सारे बड़े बड़े गेम्स के रिलीज़ होने से पहले ही उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें ये लीक कर देते हैं, उनकी स्टोरी लाइन बता देते हैं एडवांस में, उनके मैप लीक कर देते हैं। और गाइस, ये बहुत ही फेमस है। और गाइस, ये जो बोलते हैं गाइस, वो गज़ब की बात है कि वो सच होता है। और बहुत बार इन्होंने RDR2 का मैप भी लीक कर दिया था इसी तरीके से टॉम एंडरसन ने, और वो भी सही हो गया। RDR2 में वही सेम मैप आ गया। और गाइज, आप इनका चैनल चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पर पहले आप मेरी वीडियो देख लीजिए। तो गाइज, इन्होंने अब GTA 6 के बारे में, GTA 6 का मैप लीक किया है। और गाइज, इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लीक करी हैं। मैप के लिए तो मैंने एक इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी, उस मैंने सब कुछ बताया कि कैसे मैप लीक हुआ है, वो आप देख लेना, आई बटन में वीडियो है। अब गाइज, अब मैं बता देता हूँ कि और क्या लीक हुआ है। तो गाइस, पहले तो ये जनाब जो है टॉम एंडरसन, ये बताते हैं कि GTA 6 को ये पुरानी थीम पे रखने वाले थे, मतलब 90s वाली थीम पे रखने वाले थे, जिस थीम पे सैन एंड्रियास था। लेकिन गाइस, फिर इन्होंने ये खुलासा किया है अब कि अभी GTA 6 को ये मॉडर्न वर्ल्ड में रखने वाले हैं, जिसमें कि मोबाइल भी होगा, इंटरनेट भी होगा, कंप्यूटर्स भी होगा, हैकिंग भी होगी। पर गाइस, ये एक वक्त में ये बताते हैं कि GTA रॉकस्टार ये सोच रहा था कि हम इसको ओल्ड थीम पे रखें, जैसे कि RDR2 जिस थीम पर है उस थीम पे इस गेम को डेवलप करें। लेकिन गाइस, उसके बाद रॉकस्टार ने सोचा कि जब हम इसको इस वे में डेवलप करेंगे तो फिर हमारा GTA ऑनलाइन उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। GTA 6 को मॉडर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराने का सोचा। और गाइस, अब ये भी बता रहे हैं कि ताकि इनका GTA ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा तरक्की करे, इसलिए अब ये जितने भी GTA 6 लॉन्च करेंगे उसको मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी 20s 30s के थीम पे बेस करेंगे, जैसा कि साइबर पंक लॉन्च हुआ वैसा ही कुछ। अब गाइज, उन्होंने एक चीज़ और बताई है जो कि है क्रिप्टो करेंसी। अब गाइज, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी भी नहीं जानते होंगे। तो गाइज, क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में डिजिटल मनी होती है, जैसे कि बिटकॉइन। तो गाइज, इसमें भी रॉकस्टार ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और ये बता रहे हैं कि अगर आप GTA 6 में मिशन पास कराओगे या ऑनलाइन मिशन पास कराओगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको गेम के अंदर ही गेम की ही कोई क्रिप्टो करेंसी दी जाए। अब गाइज, ये आपको कोई रियल वर्ल्ड में मनी नहीं मिलेगी क्रिप्टो करेंसी की, तो आप ये मत सोचना कि आप रियल में अमीर हो जाओगे मिशन खेल के। मतलब गेम में आपको पैसे की जगह या कोई प्रॉपर्टी की जगह आपको क्रिप्टो करेंसी गेम में ही दे दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से आपको पेमेंट करेंगे मिशन की। और गाइस, ये इसमें भी अब GTA ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने कहा है कि हम चार करेक्टर रखेंगे। अब गाइस, मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो GTA 5 में भी थे, आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी थे। और गाइस, किसी टाइम में GTA 5 का इतना खुमार था लोगों में, मतलब गाइस 2013 में लॉन्च हुआ था GTA 5, लेकिन अभी भी लोग इसको खरीद रहे हैं और गाइस इसकी सेल नेक्स्ट लेवल जा रही है, क्योंकि उस टाइम में वैसा हार्डवेयर नहीं था पब्लिक के पास कि वो GTA 5 खेल पाए। लेकिन गाइस, अब पब्लिक के पास वो हार्डवेयर है तो हर कोई चाहता है कि हम GTA 5 खरीदें और उसको प्ले करें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। लेकिन गाइस, एक और बहुत बड़ी चीज़ आ रही है ये निकल कर कि जो GTA 5 को गाइज अब ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और गाइज मतलब करने वाले हैं, और गाइज अब उसकी जगह GTA 6 निकालेंगे 2023 या 24। गाइज, अब उसमें उन्होंने ये कुछ किया है कि इन्होंने चार करेक्टर रखे थे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो गाइज, इसमें ये बताया गया है कि तीन तो मेल करेक्टर रखे गए हैं और एक फीमेल करेक्टर रखी गई है। गाइज, इसके रिगार्डिंग भी बहुत लोग कह रहे थे कि फीमेल करेक्टर का क्या मतलब है, मतलब फीमेल करेक्टर में कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने फिर भी फीमेल करेक्टर रखी है और मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट भी रखे हैं। और गाइज, इसमें इन्होंने इस बार मैप में नीको बेलिक, जो कि GTA 4 लिबर्टी सिटी का एक करेक्टर है, और GTA 5 के ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल और
वाइस सिटी के भी करेक्टर सबको मिलाकर एक गेम रेडी किया है, जिसमें निको बेलिक और आप समझ लीजिए GT4 के सारे करेक्टर और GT5 के सारे करेक्टर, सैन एंड्रियास वाइस सिटी के सारे करेक्टर होंगे, और साथ में GTA लिबर्टी सिटी का मैप, GTA लॉस सांटोस का मैप, सबका मैप एक करके पूरा एक वर्ल्ड बनाया गया। और ये भी बता रहे हैं कि हम जब GTA 6 लॉन्च करेंगे तो नई अपडेट्स के साथ इसका मैप बड़ा से बड़ा करते जाएंगे, ताकि पब्लिक को और मज़ा आए। नए मिशन अपडेट्स में हम इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे पब्लिक से। तो गाइज ये सब चीज़ें थी जो निकल के सामने आ रही थी, और गाइज ये टॉम हेंडरसन ने इन चीज़ों को लीक कर दिया है, और ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं GTA 6 में। तो गाइज आप ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पे फॉलो कर लेना, टॉम एंडरसन के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेक कर लेना आप उनके चैनल को। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय।